हेलो, तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग लोटस टेंपल जाने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम लोटस टेंपल लगभग पहुंच चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं जो रूट है लोटस टेंपल का ही रूट है। इसमें एक तरफ तो लोटस टेंपल है और दूसरी तरफ यहाँ पे कालकाजी मंदिर है। अभी नवरात्र का टाइम था तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि कालकाजी मंदिर है तो लोग वहाँ पे भी दर्शन के लिए आते हैं। तो चलते हैं फटाफट से, गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग पे और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस यार, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लोटस टेंपल। तो आप देख सकते हैं पीछे की काफ़ी खूबसूरत जो नज़ारा है वो दिखाई दे रहा है। अभी शाम का समय है तो धूप लगभग जाने को है, तो उतना क्लियरली नहीं दिख पा रहा, तो जल्दी से बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो ये नज़ारा है शाम का दिखाई देता है, सनसेट का लोटस टेंपल पे। बाकी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो आ रहे जा रहे हैं, क्योंकि अभी शाम का समय है तो शाम को गर्मी थोड़ा कम रहती है, तो इसलिए भी ज़्यादा लोग जो हैं शाम को आना पसंद करते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जो नज़ारा है, आसपास काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इसको। चारों ओर काफ़ी हरियाली और फूल वगैरह लगाए गए हैं, काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत इसको सजाया गया है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं गाइस दोनों तरफ, ये दरअसल संतरे वगैरह के पेड़ हैं जिनमें फल भी लगा हुआ था और काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये पेड़ आप देख सकते हैं, देखिए सामने पे, और बाकी जो फूल वगैरह हैं आप देख सकते हैं कितने प्यारे जो हैं यहाँ पे लगाए गए हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं थोड़ा आगे को। तो आप देख सकते हैं गाइस कि कितना खूबसूरत जो शाम का नज़ारा है वो दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो उसके लिए भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंटर है, आप वहाँ पे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ ही में जब आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो यहाँ पे से आप बुक वगैरह भी ले सकते हैं, तो जिसमें लोटस टेम्पल के बारे में सभी जानकारी लगभग आपको मिल जाएगी। बाकी व्यू आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है भाई, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और शाम के समय पे देखिए काफ़ी खूबसूरत लगता है जब हम सनसेट के समय पे इस चीज़ को देखते हैं, तो लोग भी लगभग सभी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपने देखा था कि लगभग सब लोग फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, तो काफ़ी इंजॉयबल रहती हैं ये चीज़ें लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि पहली बार जब हम कुछ चीज़ देखते हैं तो वो जो फीलिंग होती है वो रियली काफ़ी मज़ेदार होती हैं। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे टेंपल की तरफ, चलते हैं फटाफट से ऊपर, और वहाँ पे हमको अपने जूते चप्पल उतारने होते हैं और उसके लिए यहाँ से हमको बैग दिए जाते हैं। और मैं आपको बताना भूल गया गाइस कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, आपको कोई टोकन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, शाम को 6 बजे बंद होता है और उससे पहले आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी आप देखिए इस तरफ भी काफ़ी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। तो हम भी जल्दी से बैग वगैरह ले लेते हैं जूते रखने के लिए और उसके बाद आगे को बढ़ते हैं। तो जूते वगैरह उतारते हैं गाइस, डालते हैं पन्नी में और बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए सभी लोग अपने जूते चप्पलों को थैली में डाल रहे हैं, और थैली को आप अपने साथ ले जा सकते हैं जिससे आपके जूते चप्पल वगैरह मिसप्लेस ना हो। और व्यू आप देख सकते हैं गाइस, मैं बार बार व्यू की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सुंदर ये नज़ारा रहता होगा। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग को एंटर करना है मंदिर के अंदर, तो वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अभी हम लोग लाइन में लग रहे हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं, अंदर देख के आते हैं कैसे है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ हम लोग भी टेंपल के अंदर जाके आ चुके हैं, करीबन 10-15 मिनट हम लोग वहाँ रुके होंगे। तो फिलहाल आप इंजॉय कीजिए वीडियो को और बाकी की जो बातें हैं वो मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूँ।
तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जितना खूबसूरत ये टेम्पल बाहर से देखने को हमें मिलता है उतना ही खूबसूरती अंदर से भी है। काफ़ी शांति अंदर रहती है, अंदर आप जब जाते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है अंदर एंटर करने के बाद। और मैं आपको बता दूं गाइज कि ये जो टेम्पल है ये किसी पार्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, यहाँ पे किसी भी धर्म के किसी भी रिलीजन के लोग आ सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं आपको काफ़ी अलग अलग लोग देखने को मिले होंगे। तो ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ है इस मंदिर की कि यहाँ पे किसी भी रिलीजन के लोग आके अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। तो फिलहाल समय हो चुका है मंदिर के क्लोजिंग का, तो गेट जो है एंट्री का वो बंद हो चुका है और जो अभी हम लोग हैं हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइस ये था लोटस टेंपल, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा हमें लगा। आई होप कि आपने भी वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।